नमस्कार जोहार, मैं मनोज शरण, ट्राइबल इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। आप सभी को जैसे कि पता है कि कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर पूरे देश में 21 दिन का लॉकडाउन का आह्वान किया गया है और लोग इसे अपने घरों में रहकर पालन कर रहे हैं। और कुछ लोग जैसे कि डॉक्टर, पुलिस, सफाई कर्मी, प्रेस, मीडिया जो है 2400 घंटे अपनी सेवा दे रहे हैं। ऐसे देशवासी, राज्यवासी अपने घरों में रहकर किस तरह से समय को व्यतीत कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उन्हीं सब पहलुओं को टटोलने के लिए हम आपके पास आए हैं। ये कहने के लिए कि आप अपनी 15 सेकेंड की वीडियो, इसमें कोई भी भाग ले सकता है, उम्र की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है, कोई भी अच्छे संदेश, चुटकुले, नाच, गान, आपको लगता है कि ये वीडियो आप हमें भेज सकते हैं, अच्छे हैं, संदेश अच्छे हैं, सभी लोग इसे देख सकते हैं, तो अवश्य भेजें नीचे बताए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। जरूर भेजें अधिकतम 15 सेकेंड की वीडियोस को, हम ट्राइबल इंडिया टीवी पे इसे दिखाएंगे और आप बताएंगे कि आप लोग किस तरह से 21 दिन के लॉकडाउन के दौरान अपने घरों में रह रहे हैं। धन्यवाद, नमस्कार। कोरोना महामारी के बीच धारावाहिक रामायण का प्रसारण, रावण का सेनापति अकंपन का किरदार निभाने वाला रांची के रहने वाले हैं। अकंपन का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, पद्मश्री मुकुंद नायक ने कौन सा गाना गुनगुनाया। कोरोना महामारी को लेकर देश में 21 दिन का लॉकडाउन, लोगों को फिर से लगभग 35 वर्ष पुरानी धारावाहिक रामायण देखने का अवसर मिला है। तब जब रामायण धारावाहिक का प्रसारण होता था तो शहरों, गलियों, गांवों में सन्नाटा पसर जाता था। लोग भक्ति भाव से रामायण धारावाहिक देखते थे। अब जब रामायण का प्रसारण हो रहा है तो कोरोना संक्रमण के कारण देश में सन्नाटा पसरा है। रामायण में कई किरदार हैं, सबने बहुत अच्छा अभिनय किया। आज हम ट्राइबल इंडिया टीवी में रामायण के एक खास पात्र से रूबरू कराने जा रहे हैं। ये झारखंड रांची के रहने वाले हैं। रामायण धारावाहिक में रावण के सेनापति अकंपन का किरदार किए हैं। राजकुमार अतिकाय ठीक कह रहे हैं महाराज, हमें विश्वास है इन महाबली महाभट्ट महारथियों के बाद कल युद्ध की आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी। लंबे कद के, भारी आवाज के मालिक अपने अभिनय क्षमता से लोगों के दिल में जगह बनाई है। आप भी मिलिए अकंपन के किरदार निभाने वाले मुरारीलाल गुप्ता जी से। मैं बॉम्बे से मॉडलिंग किया दो प्रोडक्ट के लिए, एक इमिरेट्स बैंक के लिए एज ए शेख और एक ग्वालियर शूटिंग के लिए। 87 में जब रामायण शुरू हुई, 86 एंड में, नवंबर दिसंबर में, तो इस तरह से उसका चर्चा और हर तरफ उसके बारे में चर्चा जब हो रही थी तो मेरे को लगा कि यार मेरे को भी टीवी सीरियल में काम करना चाहिए। मैं तो सपने में नहीं सोचा था रांची में कि मैं रामायण में काम करूंगा। मेरे मन में ये जरूर होता था कि रामायण में एक झाड़ू देने का भी काम मिल जाता, तब तो कहने ही कहना नहीं था, क्या बात। तो मैं जो पहला शॉट दे रहा था तो मेरे रोआ खड़े हो गए थे और मेरे को लग रहा था कि मैं अवश्य ही कभी रावण के खानदान में पैदा हुआ हूंगा। और रियल में वो शॉट देखकर, मतलब सेट पे जो भी लोग थे उन्होंने कहा, यार क्या पहला दिन तुम शॉट दिए हो, क्या टेक दिए हो, एक बार में नो कट। सभी ने बहुत अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया। रावण सेनापति के तौर पे आग्रह करता हूँ, एक आम जनता के, नागरिक के तौर पर आग्रह करता हूँ कि इस लॉकडाउन को हमें मानना है, कोरोना को हराना है और कोरोना को भगाना है। कोरोना एक ऐसा महामारी है कि अमेरिका, इटली, जो सोचता था कि स्वास्थ्य के मामले में हम लोग दुनिया के नंबर 1 है, नंबर 2 है, लेकिन आज जो उनकी हालत है, जो ये मेंटेन नहीं कर पाए लॉकडाउन, इसको हंसी मजाक में उड़ाए, आज सबसे ज्यादा महामारी उसी देश में फैली हुई है। हमारे यहाँ तो नहीं के बराबर है। और मैं चाहूंगा, आपसे आग्रह करूंगा इस टीवी के माध्यम से कि आप अवश्य इस बात को माने और कोरोना को भगाएं, हराएं। वहीं पद्मश्री मुकुंद नायक ने भी कोरोना महामारी को
लेकर एक गीत गाया। आप भी सुने उनके इस गीत को कि क्या कहना चाहते हैं गीत के माध्यम से। ट्राइबल इंडिया टीवी के लिए अपने सहयोगी अभय वेदिया के साथ मनोज शरण। सारे खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप विजिट करें www.tribalindiatv.com।